आप ये देख सकते हैं दादरी बस स्टैंड का मेन जो रास्ता है बस स्टैंड के अंदर एंट्री करने वाला, उस रास्ते की हालात आप देख सकते हो किस प्रकार से खड्डे हैं। अगर वे आज भी खड़ी होती है तो एक एक मुसलमान उनको वोट देगा, एक एक मुसलमान। दुनिया कहती है कि बीजेपी से मुसलमान डरता है, मुसलमान बीजेपी नहीं डरता, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, सिर्फ अल्लाह डरता है। नमस्ते हिंदुस्तान, मैं अनूप कुमार, आज हम आए हैं दादरी उत्तर प्रदेश। यहाँ दादरी का बस स्टैंड की हालत आपको दिखाएं। योगी जी 5 साल का दावा करें कि 5 साल बेमिसाल, और विकास के दावे करें कि बड़े बड़े हमने काम करवाए। दादरी बस स्टैंड की मैं आपको हालत दिखाऊं तो इतनी बुरी दर्जर हालत, आप ये देख सकते हैं दादरी बस स्टैंड का मेन जो रास्ता है बस स्टैंड के अंदर एंट्री करने वाला, उस रास्ते की हालत आप देख सकते हो किस प्रकार से खड्डे हैं। या ये मैं कहूँ कि ये बस स्टैंड है या खड्डा है या कोई तालाब है। और दूसरी दावा, सबसे बड़े दावे करते हैं कि हमने घर घर शौचालय बनवाए हैं, तो यहाँ मैं आपको बस स्टैंड पे दिखाऊंगा कहीं भी शौचालय की, ठीक से आप इस साइड देख सकते हैं, कहीं भी शौचालय की ठीक प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं है। क्या इस प्रकार के शौचालय, ये इनके शौचालय की व्यवस्था है, हकीकत है जो योगी जी दावा कर रहे हैं कि हमने घर घर शौचालय बनवाए, तो कैमरामैन से कहूँगा अगर दिखाएं कि इस प्रकार के शौचालयों की यहाँ पर व्यवस्था है। ये देखिए सख्त, प्राइवेट वाहन अंदर आना सख्त मना है, लेकिन एक तरफ लिख रखा है प्राइवेट वाहन, इधर दिखाएं कैमरा, एक तरफ लिख रखा है प्राइवेट वाहन आना सख्त मना है, लेकिन दूसरी तरफ आपको दिखाऊंगा कि बस स्टैंड पे पूरे पे एक ही गवर्नमेंट बस है, बाकी सारे प्राइवेट ही वाहनों का कब्जा है। बस स्टैंड कम पार्किंग मैं इसको बोलूं तो वो भी है नहीं, लेकिन न तो सरकार के किसी नुमाइंदे की, न किसी मंत्री अधिकारी या विधायक की इस ओर नजर जाती है। वहीं दूसरी ओर इनके अलग अलग बस स्टैंडों की हालत आप अंदर देख सकते हैं। अब बस स्टैंड के अंदर अगर बारिश का मौसम अभी चला हुआ है, अगर बारिश जोर से आ जाती है तो सवारी को अपना सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। तो हालत अगर देखें तो अंदर जाने के लिए काटिले तार तक लगा बांध रखे कि इनका जवाबदार कौन। अंदर की हालत देखें तो शीशे वगैरह सब कुछ, खिड़की वगैरह सब कुछ टूटी हुई है, और दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, दूसरी तरफ भी तार बाड़ करके और हालत दिखा रखी है कि किस प्रकार से स्वच्छता अभियान की यहाँ पोल खुल रही है। और ये देखिए किस पर, क्या इसी प्रकार से स्वच्छता अभियान यहाँ पे हाफ करना मना है, जुर्माना 100 रुपए है और एक तार लगा रखा है। लेकिन और दूसरी तरफ लिख रखा है प्राइवेट वाहन भी खड़ा करना, इधर भी लिख रखा है कि प्राइवेट वाहन खड़ा करना सख्त मना है, लेकिन यहाँ ऑटो टैक्सी वगैरह ही ज्यादातर दिखाई दे रही है, क्योंकि बस स्टैंड के अंदर बस कभी कभार आ रही है, लेकिन बस तो बाहर से सीधे मेन रोड से बाहर की बाहर निकल जाती है। और वही सरकार दावा कर, ये इनके स्वच्छता अभियान के इस प्रकार से ये हालात है बस स्टैंड के अंदर के। क्या इसी प्रकार से स्वच्छता अभियान का काम करें, क्या यही सरकार के दावे हैं, कितने सफल हो रहे हैं ये आप साफ तौर पर, पूरे बस स्टैंड पे सवारी आपको कम देखेंगे, सवारी तो दिखाई नहीं देंगे क्योंकि सवारी बसें ही अंदर नहीं आती हैं, तो सवारी अंदर क्या करेंगे, पूरे बस स्टैंड की बिल्डिंग पे बंदरों का कब्जा है। सवारी कम, बस तो कभी कभार कोई एक दो आती है, अभी भी आप देख रहे हैं कि एक ही बस है, बाकी सारे प्राइवेट वाहन खड़े हुए हैं। तो इसको बस स्टैंड में कह के मैं एक पार्किंग स्थल कहूँ तो भी गलत नहीं होगा। ये शौचालय जा सकती है, ये हालत आप देख सकते हैं, कह रहे कि हमने घर घर शौचालय, लेकिन आपको हालत दिखाऊं तो ये देखो दरवाजे तक ठीक से खुल भी नहीं पा रहे, दरवाजे भी खुल नहीं पा रहे। अगर अंदर दिखाना चाहूंगा तो अंदर कचरा है, यहाँ इधर एक है उसमें ताला लगा हुआ है। क्या इस प्रकार से, कब से अंकल जी ये हालत, कब से, ये कई साल से हालत है, ये कई साल से हालत है। 20 रुपए लेते हैं यहाँ के जो ये कर्मचारी हैं जिनके ठेका दे रखा, ये 20 साल से लेते हैं, ये 20 रुपए लेते हैं। अगर कोई यहाँ के महिला, हाँ ये हमारे ताला बंद रखते हैं, कहते हैं लोग क्या भाई हो गया या हो गया, ये योगी सरकार है, कहते हो मैं मुसलमान हूँ, दुनिया यूँ कहेगी क्या भाई ऐसे कह रहा मुसलमान। मैं खुद योगी का आदमी हूँ, क्यों मैं तेजपाल नगर का आदमी हूँ, तेजपाल नगर का आदमी हूँ मैं, तेजपाल नगर को आज अपने विधायक जी को कहते नहीं कि यहाँ काम करो, ये विधायक जी को कहता हूँ, विधायक जी कौन मानता है, कोई नहीं मानता विधायक की, कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता विधायक की, तो दुनिया नगर पालिका हो कोई भी हो सब झूठला देते हैं। ग्रांट तो विधायक जी पास करेंगे, नहीं करते तो विधायक जी पास, पर विधायक जी कौन बात मानेगा, यहाँ गुर्जर समाज है, सगला गुर्जर समाज के ऊपर चुप लगाए जाते हैं, वे क्या कह रहे, ये जो यहाँ का मसला है, यहाँ का मसला बहुत कड़ा है। अब ये बस स्टैंड है, यहाँ 50 आदमी खड़े हैं, ये खड़े अब एक रोड में जागी अड्डे में, और बाकी बस परेशान है सब,
जितने भी हैं सवारी क्या कोई भी, यू जो दादरी कोतवाली के कदम सामने तो दावा करिए कि हमने घर घर शौचालय बना दिया, शौचालय से इतना बड़ा नहीं, सरकार दावा कर रही है, मैं मानता हूँ कि सरकार दावा, सुनो सरकार दावा कर रही है, मैं मानता हूँ कि सरकार दावा कर रही है, पर सरकार उसको दिखा दे सही खोल के दिखा दे सरकार उसको, कभी मैंने इस चीज का दावा करा है। आदमी सुनो, घर में एक बड़ा होता है, घर में एक बड़ा होता है, उसकी बात चलती है, चलती नहीं चलती है, और जब उसके बच्चे या कोई भी वो छोड़ते, किसी की बात नहीं चलती, किसी की बात नहीं चलती, जब घर में समाज में कोई परिवार में कोई बात नहीं होगी तो किसी की नहीं चलेगी। आपने कहा यहाँ जो ठेकेदारों ने ठेका ले रखा है वो 20-20 रुपए लेते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई नजर ही नहीं आ रहा कि जिसने ठेका लिया, जब ताले लगा रहे तो कौन नजर आएगा यहाँ ठेके लेने वाले। हाँ, ठेके लाने वाले भी जब सुनो, बीजेपी सरकार ने ठेका दिया, किसी को भी दिया, आपने 10 रुपए खर्च करे या मैंने करे, तो उसको कंट्रोल तो करे कम से कम भी, कोई भी चीज ऐसी चीज है उसे कंट्रोल तो करे बीजेपी सरकार। हम मानते हैं कि बीजेपी सरकार बढ़िया सरकार है, हम ये नहीं कहते कि बीजेपी सरकार बेकार है, दुनिया कहती है कि मुसलमान के लिए बेकार है, मुसलमान के लिए बेकार नहीं है, जो तुम्हारे मुद्दे पूरे करो, अयोध्या का मुद्दा पूरा होगा, सुनो मथुरा का मुद्दा पूरा करो, बहुत चेयरमैन रह लिए, बहुत कुछ रह लिए, उन्होंने पूरी दादी का समाज का पूरा विकास करा है, और वे आज भी दादी की चेयरमैन दावेदार हैं, अगर वे आज भी खड़ी होती है तो एक एक मुसलमान उनको वोट देगा, एक एक मुसलमान। दुनिया कहती है कि बीजेपी से मुसलमान डरता है, मुसलमान बीजेपी नहीं डरता, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, सिर्फ अल्लाह से डरता है, ना किसी को मानता ना किसी को कुछ करता है, मुसलमान की जो प्रतिज्ञा है सिर्फ वो अल्लाह से डरने वाली बात है। तो यहाँ आपका कहना अलग है, लेकिन यहाँ जो योगी सरकार दावे कर रही है बड़े बड़े कि हमने टॉयलेट बनवा दिए, ये देखो किस प्रकार से ताले लगे हुए हैं, क्या कोई महिला कोई बहन कोई बेटी यहाँ आती है तो कहाँ पे शौचालय, पहले तो इनकी हालत दिखा देते, यहाँ पे कोई पानी की भी व्यवस्था नहीं है इन टॉयलेटों के ऊपर, लेकिन फिर भी और जो भी है जैसे भी है उन पे भी ताला लगा हुआ है, क्योंकि आम जनता अगर दुकान पे सामान लेने के लिए एक मिनट के लिए भी अगर गाड़ी खड़ी कर देती है तो उसको टो कर लेता, उस पर हजारों का चालान कर देता, लेकिन यहाँ दादरी बस स्टैंड पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से गाड़ियाँ अवैध रूप से पार्किंग बस स्टैंड पे पार्किंग बना के खड़ी है, लेकिन पुलिस प्रशासन को ये नहीं दिखेगा, यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे दादरी का पुलिस थाना है, लेकिन इन गाड़ियों का चालान करने की पुलिस प्रशासन की कोई हिम्मत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की सह में ही इस प्रकार के काम होते हैं। दूसरी प्रकार आपको दिखाया था कि बाथरूम में भी, ताऊ जी ने भी बताया था कि बाथरूमों में जो ठेके ले रखे हैं वो लोग 20-20 रुपए की पर्ची काटते हैं, लेकिन व्यवस्था है कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।